पहले चंद्रयान गया, उसके बाद सूर्ययान, अब अगले महीने गगनयान की बारी है। जी हाँ, चांद पर कदम जमाने के बाद और सूर्य की तरफ आदित्य L1 मिशन भेजने के बाद अब इसरो की तैयारी देश में पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को सफल बनाने की है। इसरो अगले अक्टूबर में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान की तैयारी करने जा रहा है। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि गगनयान मिशन का रॉकेट कैसे काम करेगा, ये रॉकेट कैसे इंसानों को अंतरिक्ष तक ले जाएगा और ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री 5 से 7 दिन तक अंतरिक्ष में कैसे रहेंगे और फिर 5 से 7 दिन बाद कैसे वापस आएंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से। इसरो के पास जो सबसे भारी भरकम रॉकेट है वो है LVM3 रॉकेट। जी हाँ, ये वही रॉकेट है जो अभी चंद्रयान 3 को लेकर गया था, लेकिन इस बार इसको बदला जा रहा है। उसे अभी क्रू मॉड्यूल ले जाने लायक बनाया जा रहा है, उसी पूरी तरह से ह्यूमन रेटेड बनाया जाएगा। LVM3 रॉकेट को HLVM3 में बदला जा रहा है। यहाँ पर H का मतलब ह्यूमन रेटेड है। बाद में इस रॉकेट का नाम HRLV होगा, यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। आइए सबसे पहले समझते हैं इस रॉकेट के सभी भाग और उनके काम को। इस रॉकेट के मुख्य रूप से 5 भाग होंगे। नंबर 1, क्रू एस्केप सिस्टम CES। नंबर 2, ऑर्बिटल मॉड्यूल इनसाइड। नंबर 3, क्रायोजेनिक स्टेज C25G। नंबर 4, लिक्विड स्टेज L110G। नंबर 5, सॉलिड प्रोपल्शन HS200। आइए अब इन सब भागों को समझते हैं विस्तार से। नंबर 1, क्रू एस्केप सिस्टम यानी CES। ये गगनयान मिशन के रॉकेट का पहला और बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका काम है अगर लॉन्च करते वक्त कोई हादसा हो जाए तो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को बचाना। अगर रॉकेट लॉन्च के दौरान हादसा हो जाता है या रॉकेट फटने से आग लग जाती है तो ये एस्ट्रोनॉट्स को अलग करके उस जगह से दूर ले जाता है, जैसा अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर लॉन्च में सब कुछ सही जाता है तो इस लॉन्च एस्केप सिस्टम की आगे जरूरत नहीं पड़ती है और इसे इजेक्ट करके फेंक दिया जाता है। नंबर 2, ऑर्बिटल मॉड्यूल इनसाइड। ये गगनयान मिशन के रॉकेट का दूसरा और बेहद ही महत्वपूर्ण मेन हिस्सा है। ये वही हिस्सा होगा जहां लॉन्च के वक्त तीनों भारतीय अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे। ऑर्बिटल मॉड्यूल के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। फर्स्ट, क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वो भाग है जहां भारत के एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। इस क्राफ्ट में 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने की प्लानिंग की गई है। ये ही हिस्सा वापस पृथ्वी पर आएगा। क्रू मॉड्यूल का वजन 3725 किलोग्राम है। इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने और इसमें इनके खाने पीने और सुरक्षा की सामग्री रखी जाएगी। इसका वजन 5300 किलोग्राम हो जाएगा। सेकंड, सर्विस मॉड्यूल। ये स्पेसक्राफ्ट का वो भाग है जहां क्रू मॉड्यूल को चलाने के लिए फ्यूल रखा जाएगा। ये तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में घुमाएगा। इसमें 2 सोलर पैनल्स और 3 इंजिन लगे हैं। ये क्रू मॉड्यूल से पृथ्वी पर लौटते वक्त अलग हो जाएगा। सर्विस मॉड्यूल का वजन लगभग 2900 किलोग्राम होगा और इस तरह गगनयान स्पेसक्राफ्ट का टोटल वजन लगभग 8200 किलोग्राम हो जाएगा। नंबर 3, क्रायोजेनिक स्टेज यानी C25G। ये गगनयान मिशन के रॉकेट का तीसरा हिस्सा है। रॉकेट लॉन्चिंग के करीब 300 सेकंड बाद ये इंजन शुरू होगा और पृथ्वी से 62 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचाने के लिए
क्रायोजेनिक स्टेज C-25G का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 4, लिक्विड एंजिन L-110G। ये गगनयान मिशन के रॉकेट का चौथा हिस्सा है। रॉकेट लॉन्चिंग के करीब 110 सेकंड बाद ये एंजिन शुरू होगा और पृथ्वी से 17 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद क्रायोजेनिक स्टेज शुरू होने तक या 62 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। नंबर 5, सॉलिड प्रोपल्शन यानी HS-200। ये गगनयान मिशन के रॉकेट का पांचवा और अंतिम हिस्सा है। इन्हें रॉकेट के दो बूस्टर रॉकेट भी कहा जाता है। ये रॉकेट लॉन्च होने के समय ही शुरू हो जाएंगे और रॉकेट को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाने के बाद रॉकेट से अलग हो जाएंगे। गगनयान रॉकेट के बारे में अच्छे से समझने के बाद आइए अब आपको बताते हैं ये कैसे लॉन्च होगा और 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे अंतरिक्ष तक ले जाएगा। सबसे पहले लॉन्चिंग के दिन गगनयान रॉकेट HLV-M3 या HRLV रॉकेट स्टार्ट होगा। लॉन्च के वक्त ही शुरू होंगे रॉकेट के दोनों बूस्टर रॉकेट्स यानी HS-200 और हमारा बाहुबली रॉकेट बादलों को चीरते हुए हमारे 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को इतिहास रचने वाले सफर पर निकल पड़ेगा। रॉकेट लॉन्च के 110 सेकंड बाद शुरू होगा लिक्विड एंजिन और रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाएगी। 127 सेकंड बाद यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर्स HS-200 गगनयान रॉकेट से अलग हो जाएंगे। बूस्टर रॉकेट अलग होने के बाद गगनयान रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाएगी। करीब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई और 307 सेकंड बाद रॉकेट से लिक्विड एंजिन अलग हो जाएगा। गगनयान रॉकेट से लिक्विड एंजिन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक एंजिन स्टार्ट होगा और 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी की निचली कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ेगा। करीब 150 किलोमीटर की ऊंचाई और 350 सेकंड बाद रॉकेट से दोनों हीट शील्ड और क्रू एस्केप सिस्टम CES अलग हो जाएगा। करीब 16 मिनट 15 सेकंड बाद रॉकेट से क्रायोजेनिक एंजिन भी अलग हो जाएगा और भारत का गगनयान पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। पूरा रॉकेट अलग होने के बाद यहां गगनयान की रफ्तार करीब 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी और यहां सिर्फ एक हिस्सा बचेगा, ऑर्बिटल मॉड्यूल। यही हिस्सा भारत के तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन तक अंतरिक्ष में घुमाएगा और वापस लेकर आएगा। गगनयान अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद यानी 400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होने के बाद सबसे पहले ऑर्बिटल मॉड्यूल के सोलर एरे डिप्लॉयमेंट होगा, यानी ऑर्बिटल मॉड्यूल के दोनों सोलर पैनल्स खुलेंगे और तीनों ऑर्बिटल मॉड्यूल के एंजिन्स स्टार्ट होंगे और इसमें बैठकर तीनों भारतीय अंतरिक्ष यात्री अगले 7 दिन तक अंतरिक्ष में घूमेंगे और पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चक्कर लगाता है। 7 दिन के बाद अब दिन आएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का धरती पर वापसी का। आइए अब जानते हैं अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस कैसे आएंगे। गगनयान के वापस आने की प्रक्रिया शुरू होते ही ऑर्बिटल मॉड्यूल 360 डिग्री टर्न लेगा, जिसे रीओरिएंटेशन बोला जाएगा, यानी मॉड्यूल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और पृथ्वी में आने के लिए तेजी से बढ़ेगा। कुछ देर बाद डी बूस्टिंग होगी और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल का अब कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए इसको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। क्रू मॉड्यूल तेजी से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर बढ़ेगा। सर्विस मॉड्यूल अलग होने के बाद क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 36 मिनट का समय लगेगा। सर्विस मॉड्यूल अलग होने के बाद शुरू होगा एरो ब्रेकिंग चरण, यानी
क्रू मॉड्यूल पृथ्वी की ताप कक्षा में प्रवेश करेगा और क्रू मॉड्यूल के नीचे लगी हुई हीट शील्ड इसको जलने से बचाएगी। पृथ्वी की ताप कक्षा के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में वापसी करने पर क्रू मॉड्यूल के दोनों पैराशूट्स का डिप्लॉयमेंट होगा, यानी क्रू मॉड्यूल के दोनों पैराशूट्स खुल जाएंगे और कुछ मिनटों बाद स्प्लैश डाउन होगा, यानी ये तीनों भारतीय अंतरिक्ष यात्री गुजरात के अरेबियन सी में जाकर गिर जाएंगे। यहां से भारतीय नौसेना के द्वारा इनको रिकवर कर लिया जाएगा और इसी के साथ भारत इतिहास रच देगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद हम चौथे देश बन जाएंगे जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेज पाए। भारत को गगनयान मिशन से क्या फायदे होंगे, इस मिशन पर कितना खर्चा आएगा और इस मिशन के तीन लॉन्च होंगे उनमें क्या क्या होगा, इस टॉपिक पर एक एक्सप्लेनर वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर इस मिशन को और विस्तार से समझ सकते हैं। गगनयान मिशन के रॉकेट और उसके उड़ान से लेकर उतरने तक की प्रक्रिया की जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।